दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओप्पो A1K के बारे में। देखिए ओप्पो A1K अगर आपको मॉडल देख के पता चल रहा है, पीछे का जो देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए पासवर्ड लॉक पड़ा है, पासवर्ड लॉक नहीं तोड़ पा रहा है। जो व्यूअर है, जो कस्टमर है मेरे पास लेके आया है, उसका पासवर्ड लॉक नहीं तोड़ रहा है। तो अगर आपका भी पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लॉक पड़ा है ओप्पो A1K में, तो आप उसको कैसे घर में अनलॉक कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ओप्पो का कोई भी मॉडल हो, अगर आपका पासवर्ड पड़ा है जो कि हो नहीं रहा है, पासवर्ड लॉक नहीं खुल पा रहे, तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हो उसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप फिर रिपेयरिंग सब लेके जाओगे, 400-500-600 रुपया खर्चा करोगे, तभी जाके आप मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आप आराम से घर में इसको अनलॉक कर सकते हो। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो आप जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये ओप्पो का A1K है, सभी ओप्पो मोबाइल में सेम है। आपको पहले क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। देखिए पावर बटन मैंने प्रेस करके रखा और इसको नीचे कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ओप्पो मोबाइल में सेम आता है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही वाइब्रेशन होगा मोबाइल टोटल स्विच ऑफ हो जाएगा। वॉल्यूम का माइनस बटन को ऐसे प्रेस करके रखना है, उसके बाद ऐसे पावर बटन को प्रेस करना है, थोड़ा देर प्रेस करके रखना है। जैसे ही वाइब्रेशन होकर ओप्पो लिखा है आपको पावर बटन छोड़ देना है, लेकिन माइनस बटन को ऐसे प्रेस करके रखना है जब तक कि आपका रिकवरी मोड में ये एंट्री ना कर जाए। थोड़ा देर ऐसे पकड़ के रखने के बाद देखिए क्या होता है, मैं आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे कीजिए, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। ये हार्ड रीसेट होता है कि नहीं है सब कुछ डिटेल्स में आपको दिखाई देगा। देखिए इंग्लिश में आया है, इंग्लिश में आपको पावर बटन क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इधर नीचे जाना है वाइप डाटा में, इधर आपको ओके करना है। जैसे ही आप इधर वाइप डाटा करोगे, इधर लिख रहा है प्लीज एंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो वो जो है ऐसे रीसेट नहीं होगा। आप रीसेट करके इसको अनलॉक नहीं कर सकते, मतलब ये हार्ड रीसेट करके ये अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि उधर भी आपको पासवर्ड मैंडेटरी है। तो अभी हम बात करेंगे जो मोबाइल, जो ओप्पो मोबाइल हार्ड रीसेट नहीं होता है उसको आप पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कैसे करोगे। देखिए दूसरा एक मेथड है जो कि मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए और उसको ट्राई कीजिए, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आप इसका पासवर्ड भूल चुके हो, तो आपको अगर जीमेल आईडी पासवर्ड इसका याद है तभी जाके अनलॉक कर सकते हो, तभी जाके ये वीडियो देखो, नहीं तो वीडियो मत देखो, क्योंकि अनलॉक नहीं कर पाओगे। जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो इसको अनलॉक नहीं कर पाओगे, मतलब रिपेयरिंग सब लेके जाना पड़ेगा। पहले क्या करना, इसका जीमेल आईडी, इसमें एक सिम लगा लेना, डाटा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, या तो ऑन कर देना, ऊपर से ऑन हो जाएगा, ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा एक डिवाइस लेना है, कोई भी एक मोबाइल लेना है, उसमें फाइंड माई डिवाइस बोल के एक ऐप है, या तो क्रोम में जाके भी, डायरेक्ट क्रोम में जाके फाइंड माई डिवाइस बोल के एक ऐप है, उसमें निकालना है। उसमें आपको फाइंड माई डिवाइस में आपको क्या करना है, ये वाला मोबाइल का, ये जो ओप्पो वाला मोबाइल का, उसका जीमेल आईडी पासवर्ड का लॉग इन कर जाना है। लॉग इन करने के बाद ये मोबाइल लोकेट हो जाएगा, उसको क्या मोबाइल ढूंढने के लिए रखा जाता है, फाइंड माई डिवाइस जो ऐप है मोबाइल ढूंढने के लिए, तो वो लोकेट कर लेगा। और उसके बाद नीचे आएगा इराइज डाटा, इराइज डाटा में क्लिक कीजिए और एक बार पासवर्ड मांगेगा जीमेल आईडी का, पासवर्ड दे दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, इराइज हो जाएगा। आपको मोबाइल में हाथ तक लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसे मोबाइल ऑन रहेगा, डायरेक्ट मोबाइल स्विच ऑफ होगा, इराइज होगा, जो भी आपका पैटर्न लॉक था अनलॉक हो जाएगा। बाद में आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है, लॉग इन कीजिए, मोबाइल रेडी हो जाएगा, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया वैसे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, मैंने प्रॉपरली दिखाया है, चैनल में देखिए बहुत सारा वीडियो है, वीवो V15 और भी बहुत सारा डिवाइस का मैंने बनाया था, जैसे कि डायरेक्ट कैसे ऐसे करके अनलॉक करते हैं, आप जाके वैसे देख के अनलॉक भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया दोस्तों आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।